topics we are going to learn about the plants. What are plants? We are, if you look around, you saw many plants around you and trees also, right? जब हम आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज नजर आते हैं और दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस. वी गेट एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. हमें क्या मिलता है, सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए, बॉडी के लिए ऑक्सीजन मिलती है. अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द ऑक्सीजन, यू कांट ब्रीथ. आप ब्रीथ नहीं कर सकते और आप जिंदा नहीं रह सकते, राइट? सो प्लांट इज वेरी यूजफुल फॉर अस. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्लांट्स इन दैट दिस चैप्टर. आई एम इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ प्लांट्स, देन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एंड देन आफ्टर दैट द यूजेस ऑफ प्लांट्स. सो स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू. सी दिस, दिस इज अ ट्री. ट्री मीन्स वो जो बहुत बड़ा प्लांट होता है और जो बहुत बड़ा पेड़ होता है, वृक्ष हिंदी में कहा जाता है उसे, उसे क्या कहते हैं, ट्रीज. कौन कौन से ट्रीज होते हैं, बैनियन, मैंगो एंड नीम. दीज आर द नेम ऑफ द ट्रीज, लाइक बैनियन ट्रीज, बरगद का पेड़. ओके, आपने देखा होगा बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत ऊंचा होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रीज. और फर्स्ट इसमें है बैनियन ट्री, बरगद का पेड़. देन मैंगो, मैंगो ट्री देखा है आपने, इट इज ऑल्सो बिग इन साइज एंड सो मैनी मैंगोज आर देयर ऑन दैट ट्री. ओके, देन नीम ट्री. नीम ट्री इज वेरी यूजफुल फॉर अस, वी गेट मेडिसिन फ्रॉम नीम ट्री ऑल्सो. ओके, देन सेकेंड वन इज शर्ब्स. वॉट इज शर्ब्स? Sometimes you see a small plant, okay? It is called, also called bushes, okay? Like rose, jasmine and gardenia. Rose, have you seen the rose plant? Rose plant ko hi shrubs kehte hain, okay? Or you see the thorns also in shrubs. Matlab usme kaante bhi lage hote hain, hai na? So what are the name of that shrubs? Rose, jasmine and then gardenia. Okay, this is a part of plant. In that first one is tree and second one is shrubs. पहला जो होता है वो tree होता है and second shrubs होता है. Okay, उसमें कौन कौन से आते हैं, rose, jasmine and gardenia. Then herbs. What are herbs? Herbs वो होते हैं जिन्हें हम खा भी सकते हैं and we also get medicine from that tree or plant. हमें उससे क्या मिलता है, मेडिसिन भी मिलती है और हम उसे डायरेक्टली खा भी सकते हैं. इसमें कौन कौन से होते हैं, तुलसी. आपके सबके घर में यू हैव तुलसी प्लांट. ओके, मम्मा लगा के रखती है, मम्मा ऑल्सो पूजा करती है उसकी, है ना? और उस कहा जाता है कि तुलसी में भगवान का वास होता है, राइट? सो मम्मा डेली, व्हाट विल मम्मा डू, मम्मा एक दीपक जलाती है वहाँ पर एंड यू ऑल ट्रीट तुलसी एज अ गॉड, है ना? हम उसे एज अ गॉड ट्रीट करते हैं. क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और तुलसी से हमें मेडिसिन, बहुत सारी यूजफुल मेडिसिन मिलती है. इट इज सिक्योर अस फ्रॉम कोल्ड एंड कफ. ओके, इफ यू ईट डेली तुलसी लीव, यू गेट रिड ऑफ सो मैनी डिजीजेस, है ना? कोल्ड कफ से हमें निजात मिलती है. इफ यू अप्लाई इट पेस्ट इन ऑन योर फेस, यू गेट रिड ऑफ पिम्पल्स एंड ऑल दैट. स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, है ना? इसी में सेकेंड वन इज कॉरिएंडर. कॉरिएंडर मीन्स धनिया. धनिया आप खाते हो सब्जी में डालकर, है ना? सब्जी में अगर धनिया डाल देंगे तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, राइट? सो सेकेंड वन ऑफ द हर्ब इज कॉरिएंडर. देन मिंट. मिंट ऑल्सो मे यूज इन ईटिंग, लाइक चटनी बनाती है मम्मा तो मिंट का यूज करती है. सो मैनी च्युइंगम्स एंड टॉफीज एंड मेडिसिन आर मेड अप ऑफ मिंट. ओके, तो दिस आर, एंड देन क्लिपर्स. व्हाट आर क्लिपर्स?
आपने देखा होगा कुछ पेड़ सीधे खड़े नहीं रह पाते, कुछ पौधे सीधे खड़े नहीं रह पाते, उन्हें किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है ना। आपके यहाँ पे मनी प्लांट होगा तो मनी प्लांट को आप ऐसे छोड़ दोगे तो वो मुरझा जाएगा, है ना, या फिर उसके पत्ते सब काले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इट नीड्स सम वन टू सपोर्ट दैट, है ना, प्लांट, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। या तो आपकी मम्मा उसको क्या है पे किसी पेड़ पे लपेट देती होंगी, या फिर उसे किसी स्टिक पे लपेट के आपके घर में रखा जाता है। अगर वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो वो ऐसे फैलेगा, वो जमीन पर ही पिछा रहेगा। दैट आर कॉल्ड क्रिपर्स, क्या बोलते हैं उसे, क्रिपर्स, जो बिना सहारे के खड़े नहीं रह सकते, ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है क्रिपर्स। उनमें से कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है मनी प्लांट, एज यू ऑल सी मनी प्लांट इन योर होम, मनी प्लांट होता है ना, है ना। पंपकिन, पंपकिन मतलब कद्दू, कद्दू का जो बेल होती है उसमें भले ही कद्दू बहुत बड़े बड़े लगते हैं लेकिन वो बिना सहारे के नहीं खड़े रह सकती। देन ग्रेप वाइन, अंगूर की जो बेल होती है उसे भी सहारे की जरूरत होती है। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लांट, फर्स्ट वन इज ट्रीज, देन सेकेंड वन इज शर्ब्स, एंड देन थर्ड वन इज हर्ब्स, एंड फोर्थ वन इज क्रीपर्स। फोर्थ वन इज क्रीपर्स, क्या होता है फोर्थ वन, क्रीपर्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। आपने प्लांट्स को देखा होगा तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ओके, जो जमीन के नीचे होती है उसे कहा जाता है रूट्स। जमीन के नीचे जो पूरी जड़ होती है दैट इज कॉल्ड रूट्स। ओके, देन दिस इज द स्टेम ऑफ प्लांट। ये क्या है? स्टेम, ये जिसके सहारे डंडियां होती है, जिसके सहारे पत्तियां निकलती हैं, वो क्या होती है? स्टेम कहलाता है। देन व्हाट इज दिस ग्रीन ग्रीन? दिस आर लीव्स, लीव्स ऑफ प्लांट। क्या है ये? लीव्स। ओके, लीव्स के साथ फिर ये बर्ड, बर्ड क्या होता है? जो कलियां होती है फ्लावर की उसे कहा जाता है बर्ड। देन नेक्स्ट इज फ्लावर, जो कली होती है वो जब वो खिलती है तो वो क्या बन जाता है? फ्लावर बन जाता है, राइट। एंड आफ्टर दैट फ्रूट्स, फ्रूट्स आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, है ना, हम खाते हैं ना फ्रूट्स। तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट? फर्स्ट इज रूट, रूट मतलब जड़, देन सेकेंड वन इज स्टेम, देन थर्ड वन इज लीव, देन फोर्थ वन इज बर्ड एंड फ्लावर, एंड देन लास्ट वन इज फ्रूट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द यूजेस ऑफ प्लांट। प्लांट के यूजेस क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ओके, फर्स्ट इज प्लांट्स कीप फ्रेश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कीप, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। हमें कहाँ से मिलती है ऑक्सीजन? हमें जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? सांस लेते हैं। ओके, इफ यू आर टेकिंग ब्रीथ, इफ यू आर ब्रीदिंग यू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। आप जब सांस लेते हो तो हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। तो प्लांट्स का काम क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, विच इज़ वेरी असेंशियल फॉर अस। अगर प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे तो हम सांस नहीं ले सकते और हम जिंदा नहीं रह सकते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन टू लीव, राइट। देन प्लांट्स कीप एयर फ्रेश, प्लांट्स क्या करता है? एयर को फ्रेश रखता है ना, जो एयर से सारे पॉल्यूशन को वो एब्जॉर्व करके प्लांट की एयर फ्रेश है ना। अगर हम फ्रेश एयर में सांस नहीं ले पाएंगे तो हमें बहुत सारी डिजीजेस भी हो जाएंगी। देन प्लांट गिव्स अस फूड, मैनी प्लांट्स गिव्स अस फूड लाइक ग्रेन्स, जो आप दाल रोटी चावल सब खाते हो ना, ये हमें किन से मिलता है? प्लांट से मिलता है ना। फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ये जो सब चीज़ें हमें मिलती हैं ये प्लांट से मिलती है। सो वी हैव टू grow more and more plants, okay? The next one is plants gives us wood. जो भी furniture we are using like bed, sofa, है ना, all that things which are made up of wood, कैसे बने होते हैं वो?
वुड से बने होते हैं, है ना। और वो वुड हमें कहाँ से मिलता है, हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, राइट। देन नेक्स्ट इज सम प्लांट गिव्स अस मेडिसिन, कुछ प्लांट से मेडिसिन भी बनती है, लाइक तुलसी, मेंट, नीम, और बहुत सारी ऐसी प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है, यूकलिप्टस, है ना, ये सारे प्लांट्स हैं जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है, यूजफुल मेडिसिन मिलती है। तो इस लेसन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि वाह, प्लांट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। अगर प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो हमारी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड सो मैनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, फूड वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, ऑल द ग्रेन्स, ऑल द वेजिटेबल्स, ऑल द फ्रूट्स यू आर ईटिंग, राइट, दे आर कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स नहीं उगाएंगे तो हमें मेडिसिन और फूड और एयर नहीं मिलेगी। सो वी आर टोटली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, राइट। सो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को काटते जा रहे हैं और उसकी जगह पर जो जमीन है वहां पर प्लांट्स की जगह हम घर बनाते जा रहे हैं, राइट। और अभी ऐसा सीजन ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे व्हीकल्स एंड चल रहा है तो बहुत सारा पॉल्यूशन फैल रहा है। लेकिन इफ यू आर नॉट ग्रो प्लांट्स और उसको काटते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम बाद प्लांट्स खत्म हो जाते हैं, है ना, खत्म हो जाएंगे। और ऐसा टाइम आएगा कि वी आर ऑल्सो नॉट देयर, हम भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स के बिना हम नहीं रह सकते। हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना, हमें वाटर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर्स कहाँ से आता है, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो जमीन में से, जब ऊपर से बारिश होती है तो जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो क्या कर लेती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है ना। और जब गर्मी आती है तो हम उसमें से पानी, जो नदी या नाले सूख जाते हैं, क्यों सूखते हैं, क्योंकि प्लांट्स नहीं होते। तो अभी देखा है आपने पहले से बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, गर्मियों में आपको पानी नहीं मिलता, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वी गेट प्लांट्स, वी गेट फूड, वी गेट प्रॉपर ऑक्सीजन, वी गेट प्रॉपर वाटर इन एवरी सीजन। तो हमें अभी पानी की बचत क्यों करनी पड़ रही, क्योंकि हम लोग प्लांट्स को ग्रो नहीं करने दे रहे, हम उसे काट कर वहाँ पर हम अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं, या फिर बहुत सारे पोल्यूशन की वजह से भी प्लांट्स मर रहे हैं। सो रिमेंबर वन थिंग एंड प्रॉमिस वन थिंग कि एवरी ईयर यू विल ट्राई टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। आप ट्राई करेंगे कि आप भी अपने गार्डन में या आसपास की जगह बहुत सारे पेड़ लगाए, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्लांट, एंड प्रॉमिस मी यू विल डेफिनेटली प्लांट अ ट्री इन योर गार्डन एंड नियर बाय यू, है ना। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।